सोलापूर जिल्ह्यातील नामवंत दर्गा हजरत ख्वाजा सैफन मलूक यांच्या 891 उरुस 27 नोव्हेंबरपासून प्रारंभ होत आहे। या संदर्भात चेअरमन रफिक मोजावर माध्यमाशी बोलताना काय अस्सलाम वालेकुम। हजरत ख्वाजा हाजी सैफन मलूक चिश्ती दर्गा वफ हैदराबाद शरीफ दर्गा वफ का चेयरमैन मोहम्मद रफीक सिराजुद्दीन मुजावर व कादरी आपके चैनल के माध्यम से तमाम हजरात से गुजारिश है कि हजरत ख्वाजा हाजी सैफन मलूक चिश्ती रहमतुल्ला अलैह का 891वां उर्स मुबारक बरोज बुधवार तारीख 27 संदल शरीफ संदल की रवानगी गरग जी पाटिल के घर से बुधवार के दिन 27 तारीख को रात को 11 बजे हैदरे के लिए रवानगी होगी। 28 तारीख को फजर में हैदराबाद शरीफ के अंदर तशरीफ लाएंगे। बाद फजर के संदल माली और 28 तारीख को बाद ईशा के कव्वाली का मुकाबला वो चिराग का प्रोग्राम कव्वाली का मुकाबला कामिल चिश्ती पूना और उसी तरह लेडी कव्वाली गोरख यूपी गोरखपुर के इन दोनों का मुकाबला और उसी तरह गांव में 28 तारीख को ऑर्केस्ट का प्रोग्राम रखा गया है और 27 तारीख को नाटक का प्रोग्राम रखा गया है। 29 तारीख को शाम को भी नाटक का प्रोग्राम रखा गया है। तमाम प्रोग्राम और 29 तारीख को बाद फजर के 7 बजे जियारत और तबरुक तकसीम होगा और तमाम दरगाह कमेटी के मेंबरान और वाइस चेयरमैन बंदा नवाज तालाबली मुजावर सेक्रेटरी वकील मुजावर ट्रस्टी अहमद कादर बादशाह मुजावर ट्रस्टी रौफ अहमद मुजावर ट्रस्टी बंदा नवाज सिराजुद्दीन मुजावर ट्रस्टी याकूब मुजावर जैनुद्दीन मुजावर और अयूब मुजावर बंदा नवाज दस्तगीर बादशाह मुजावर ये तमाम ट्रस्ट के मेंबरान के और ट्रस्ट के चेयरमैन के जानिब से तमाम आने वाले हजरात का इस्तकबाल किया जाएगा और तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि हैदराबाद शरीफ में इस प्रोग्राम में शामिल होकर इस प्रोग्राम को कामयाबी कीजिए और दरगाह में खास करके साफ सफाई का ख्याल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।